अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेल का शरबत। गर्मी का मौसम है, बेल का सीजन है, तो बेल तो खाना चाहिए, या जूस बनाकर पिए या वैसे खाए, लेकिन वैसे आदमी नहीं खा सकता है ना, उसमें बहुत रेशा होता है, इसलिए आदमी पसंद नहीं करता है, बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसको हम शरबत बना लेंगे, बना करके पी लेंगे, बच्चों को पिला देंगे। जो गैस के पेशेंट है उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, जिसका लीवर में सूजन है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो हर मौसम का हर फल खाना ज़रूरी है। दाल चावल तो आदमी खाता ही है, वो तो पेट भरने के लिए खाता है, तो ये फल का होना जिस्म के अंदर ज़रूरी है। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मैं जूस बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेल के शरबत बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम बेल। यह है बेल, पका हुआ बेल है, अच्छा है। ये अभी अभी बेल का सीजन चल रहा है ना, तो शरबत तो पीना ज़रूरी है, रोज़ पीना चाहिए शरबत बना करके। तो बेल को हम तोड़ लिए हैं, अब इसका पल्प हम निकाल लेंगे, चम्मच से निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं पल्प को हमने निकाल लिया है। इसमें डालेंगे हम पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी से पानी हम डालेंगे, डाल करके अपने हाथ की मदद से हम इसको मसल मसल के हम जूस बनाएंगे, यानी रेशे को निकाल देंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने इसको हाथ के मदद से मसल मसल के जूस बना लिया है। अब इसको हम छानेंगे छन्नी में। देखिए मात्र 25 रुपये का बेल था, ये आधा केजी के लगभग आधा केजी होगा। देख कितना गिलास जूस बनेगा, देखती हूँ कितना गिलास बन गया। इसको हमेशा सेवन करना चाहिए, गर्मी का हर मौसम का फल लेना चाहिए, क्योंकि हम दाल रोटी चावल खाते हैं तो वो तो पेट भरने की चीज़ है। ये फल में जैसे फल कोई भी फल हुआ सीजन का, तो उसको हम लेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, किसी फल में विटामिन सी पाया जाता है, किसी फल में विटामिन डी पाया जाता है, किसी फल में फाइबर पाया जाता है। तो हर फल को यूज करना चाहिए, हर फल को सेवन करना चाहिए, चाहे जूस बना लें चाहे इसे खाएँ। तो हम छन्नी लगा दिए हैं बीज के अंदर, और इसको हम अच्छे से छान लेंगे छन्नी में, इसे चम्मच से दबा दबा करके इसको छान करके पूरे रेशे को निकाल देंगे। इसमें रेशा है ना, निकल जाएगा। तो देख सकते हैं छिलका अलग हो गया है, इसका बीज और छिलका अलग हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। और यह है पल्प, ये कितना अच्छा निकला है पल्प, लग रहा है ना ऑरेंज का जूस है। तो अब हम बनाएंगे शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा हम लेंगे, तो आधा में डालेंगे हम शुगर, क्योंकि बच्चे बगैर शुगर के नहीं पी सकते हैं, बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। इसमें हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत लोग होते हैं शुगर के पेशेंट होते हैं, तो उसके लिए तो बस सिर्फ काला नमक और ये बेल का जूस पीना है, जिसके अंदर शुगर है पी सकते हैं। बगैर शुगर वालों के लिए ये चीनी डाल देंगे, बच्चे नहीं पी पाएंगे ना, इसलिए बच्चों हो या बड़े हो, बहुत लोग चीनी पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कितना अच्छा कलर दिख रहा है, एकदम नेचुरल है। अब इसको हम डाल देते हैं गिलास के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालें हम शुगर, शुगर वाला है ये। आप इसमें आइस डाल सकते हैं, आइस क्यूब। तो हम इसमें डालेंगे आइस, जिसको पसंद होता है ना ठंडा, उसके लिए है। तो ठंडा नहीं पीना चाहता है तो नहीं पिए। अभी गर्मी का मौसम है ना, तो मैं सोची कि आइस डाल देती हूँ। अब बगैर शुगर का डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी काला नमक डालेंगे। ये है शुगर के मरीज वालों को,
जो शुगर पसंद नहीं करते हैं उसके लिए ये है, देख सकते हैं इसमें आइस नहीं डाली हूँ। तो देखिए कितना बनाना आसान है, हर मौसम का हर फल खाना चाहिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।